हरियाणा में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, गुरुग्राम से बड़ी खबर है। गुरुग्राम के 4:8 मरले में बड़ा हादसा होने से टला है। आपको बता दें कि आर्य समाज मंदिर का दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया है। नीचे खड़ी दो कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आज हुई बारिश के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। नीचे से गुजर रहे लोगों की जान बाल बाल बची है। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम का, ये पूरा मामला है। 4:8 मरले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आर्य समाज मंदिर का दूसरा मंजिल का छज्जा जो है गिर जाता है। बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। नीचे खड़ी दो कार जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है, और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, और यहाँ पर सिर्फ दो गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई है। किस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि छज्जा गिरने की वजह से गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि उस दरमियान नीचे कोई खड़ा नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। तो गुरुग्राम का पूरा मामला है। आर्य समाज मंदिर का दूसरे मंजिल का छज्जा जो है अचानक से गिर जाता है भरभराकर, और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पूरा मामला गुरुग्राम का, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को चोट तक नहीं लगी है, क्योंकि कोई बड़ा हादसा साफ तौर पर देखा जा सकता था। सहयोगी मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो ये हादसा है, ये गुरुग्राम के 4:8 मरले का हादसा है। तकरीबन अब से 2 घंटे पहले जो तेज बारिश हुई थी, हालांकि अभी भी गुरुग्राम में बारिश हो रही है, उसके चलते आर्य समाज मंदिर का जो सेकंड फ्लोर है उसका छज्जा जो है अचानक नीचे आ गिरा, जिससे कि गाड़ी जो नीचे दो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। और बताना चाहूंगा कि आर्य समाज मंदिर के नीचे जो लोगों की चहल पहल है वो काफी रहती है, मगर बारिश के चलते जो लोग थे वो गलियों में नहीं थे। अगर वे लोग गलियों के अंदर होती तो कहने के उनको भी बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर ऐसे में जिला प्रशासन की टीमें भी यहाँ पहुंच गई हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर छज्जा गिरने का जो है कारण क्या रहा, और क्या क्या कमियां जो है रखी गई आर्य समाज मंदिर को बनाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंदिर को बनाने में भी जिला प्रशासन का ये हाथ रहा है। तो ऐसे में जो है जांच अब जरूर की जा रही है पूरे अंदर, मगर गरिमत ये रही कि किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, मगर जो गाड़ियां हैं वो कंप्लीटली टोटल लोड की तरफ चली गई है। जी मोहित, ऐसे में मंदिर प्रबंधक की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया है? मैं बताना चाहूंगा, मंदिर प्रबंधन से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने जो है कैमरे से जो है दूरी बनाई। अभी वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जिस तरीके से बरसात तेज हुई है उसकी वजह से छज्जा गिरा है, मगर सवाल या निशान कहीं ना कहीं इस बात पर, कार्य प्रणाली पर इस बात की उठ रहा है कि आर्य समाज मंदिर जो है सार्वजनिक स्थान है लोगों के लिए, जहां पर अक्सर प्रोग्राम होते हैं, और ऐसे में उसकी इमारत का टूट कर गिरना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है प्रबंधन के ऊपर, आर्य समाज के प्रबंधन के ऊपर, और कहीं बड़ा हादसा होता टला है। ऐसे में अगर पूरी इमारत को अगर नुकसान पहुंचता तो कहीं ना कहीं जो है जनमानस। बिल्कुल मोहित, अब कई तरह के सवाल भी साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं। मोहित, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया।